क्रिकेट को भारत में खेल नहीं बल्कि धर्म की तरह देखा जाता है और क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। फैंस अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स की बस एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। कई ऐसे मौके हमने और आपने देखे जब क्रिकेट फील्ड पर अपने पसंदीदा क्रिकेटर को मिलने की चाह में उनके फैंस स्टेडियम में फेंसिंग को लांघ कर मैदान में घुस जाते हैं। और हाल ही में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा के एक फैन ने ऐसा कुछ कर दिया जिसे सुनने के बाद आप हैरान होने के साथ साथ अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल मुंबई की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान बेंगलुरु के मैदान पर जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तब उनका एक फैन बीच मैदान में घुस आया। रोहित के इस फैन ने पहले तो रोहित के पैर छुए, फिर उन्हें किस किया। इसके बाद एक बार फिर उसने रोहित को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की, जिसके बाद रोहित ने उसे रोक दिया। इसके बाद फैन को मैदान से बाहर किया गया। बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब सिक्योरिटी सीमा लांघकर कोई फैन बीच मैदान में घुस गया हो। अभी हाल ही में टीम इंडिया और विंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में विराट कोहली का एक फैन बैरिकेडिंग लांघकर मैदान में घुस गया था।